हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम स्टेट अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास फिफ्थ के लिए है जैसा कि आप जानते हैं आपके नवंबर के मंथ में स्टेट अचीवमेंट सर्वे पेपर होने वाला है तो जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आइए शुरू करते हैं ऑल क्वेश्चन कैरी वन मार्क इज प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो वन मार्क का है यू मस्ट डार्क इन अ सर्कल बाय ब्लू और ब्लैक फॉर करेक्ट आंसर सही आंसर बताने के लिए आपको एक सर्कल को डार्क करना है ब्लू कलर से या फिर ब्लैक कलर से तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो करेक्ट सर्कल है उसे आप केवल एक ही सर्कल जो है प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ही जो सही है उसे डार्क करना है नीले रंग से या फिर काले रंग से तो आइए शुरू करते हैं रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो यहाँ पर ये यह पैसेज दिया गया है इसे पढ़िए और नीचे इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आपको इसमें से आंसर देने हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्पजेज ऑफ ट्री प्लांटेशन इज टू प्रमोट फॉरेस्ट पेड़ पौधे लगाने का सबसे जो कॉमन पर्पज है उद्देश्य है वो है फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को बढ़ावा देना है फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ जो हमारे जंगल हैं वो पृथ्वी पर इकोलॉजिकल बैलेंस को यानी कि उसके संतुलन को जो पारिस्थितिक संतुलन है इसे बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं अ मेजर पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट हमारे इस प्लैनेट का हमारे ग्रह का पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगलों से कवर्ड है फॉरेस्ट आर बींग कट एट अ रेबिड पेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज जब से इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हुई है तब से जो हमारे जंगल हैं उनकी जो कटिंग है वो बहुत ही तेजी के साथ हो गई है यानी कि उन्हें बहुत तेजी से काटा जा रहा है ट्रीज ग्रो नेचुरली जो पेड़ हैं वो अपने प्राकृतिक रूप से ही उगते हैं बट वी है लेकिन हमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों के कटने के कारण हुई हानि को कम्पनसेट करने के लिए अपने हिस्से से अपनी तरफ से कुछ करना है ट्री प्लांटेशन इज डन फॉर दिस पर्पज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्री प्लांटेशन किया जाता है फॉरेस्ट कैन बी ग्रॉन्ड फास्टर जो जंगल है वो तेजी से उग सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांटेशन किसकी सहायता से प्लांटेशन की सहायता से नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहां पर जो है आपको सही ऑप्शन चूज करके करेक्ट आंसर देना है वॉट इज द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन का जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है ऑप्शन आर इंडस्ट्रियल इज मोर रेन टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड नन ऑफ द अब तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन इंडस्ट्रियल एज यानी कि जब से इंडस्ट्रियल एज जो है औद्योगिक युग की शुरुआत हुई तो जो पेड़ पौधे हैं उनका बहुत तेजी से काटना शुरू हो गया तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इसके लिए आप फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे नेक्स्ट इज इज द एंटोनियम ऑफ रैपिड रेपिड का एंटोनियम यानी कि विलोम क्या है तो यहां पर ऑप्शन है वॉकिंग फास्ट स्लो नॉर्मल तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि स्लो धीमा रैपिड बोलते हैं तेज को फास्ट को तो इसका अपोजिट होगा एंटोनियम होगा स्लो तो इसके लिए आप तीसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे अब अगला क्वेश्चन है वॉट इज द मेंट बाय ट्री प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन का क्या मतलब है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है प्लांटिंग अ ट्री पौधा लगाना यानी कि एक पेड़ लगाना कटिंग अ ट्री एक पेड़ को काटना बर्निंग अ ट्री या फिर एक पेड़ को जलाना या फिर नन ऑफ दीज तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन प्लांटिंग आ ट्री एक पेड़ लगाना इसे कहते हैं ट्री प्लांटेशन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड अर्थ इनमें से कौन सा जो है वो अर्थ वर्ड है जो हमारा यहाँ अर्थ वर्ड दिया गया इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो ट्रीज जो हैं वो अर्थ से कनेक्टेड है रिवर भी माउंटेन्स भी बट एस्टेरॉइड्स जो है, ये अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर एस्टेरॉइड्स तो यहां पर आपको फोर्थ नंबर का सर्कल जो है ये फिल करना है नाउ क्वेश्चन इज वॉट आर द हार्म्स ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन जंगलों के अधिक कटने से क्या हानियां हैं तो यहां पर ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन अकर्स वायु प्रदूषण होता है इट रेन्स लेस बारिश बहुत कम होती है बोथ एंड बी आर करेक्ट दोनों ही ऑप्शन सही है या फिर ओनली ए इज करेक्ट या फिर केवल ए ही सही है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इट मीन्स एयर पॉल्यूशन बहुत होता है और जो रेन है वो वेरी लेस होती है बहुत कम होती है अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स है रीड द स्टोरी गिवन बिलो नीचे दी गई स्टोरी को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर दीजिए इट वॉज इवनिंग टाइम शाम का समय था आफ्टर द स्टॉम एंड हैवी रेन स्टॉप बहुत तेज आंधी और बारिश के रुकने के बाद मनीष वॉक द टूवर्ड्स द हाउस विद रैपिड स्टेप्स मनीष जो है बहुत तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ चला वेन ही रीच द रोड नियर द हाउस जब वह घर के पास सड़क पर पहुंचा ही सो दट अ ट्री हैड बी उसने देखा कि एक नजर उस टूटे हुए पेड़ को देखा एंड एंड टू वर्ड्स द हाउस और अपने घर की तरफ चला गया आफ्टर कमिंग होम घर आने के बाद हैंड्स अपने हाथ धोने के बाद एंड फेस और अपना चेहरा एंड हैड एट एन डिनर और खाना खाने के बाद द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट क्या हुआ जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने हाथ धोए अपना खाना खाया और जब उसने खाना खा लिया तो लाइट चली गई बिजली जो थी वो चली गई देर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड क्या हुआ की चारों तरफ अंधेरा हो गया मनीस लिड द लाल तेंट. तो क्या हुआ मनीष ने लालटेंट जलाया सडनली अचानक से ही रियलाइज उसे महसूस हुआ दट सम्यू टू द डार्कनेस फ्रॉम अन द रोड सड़क पर एंड हंग द लाल और उसने उस टूटे हुए पेड़ पर लालटेन को लटका दिया नाउ इन द लाइट ऑफ द लालटन द ब्रोकन ट्री स्टार्टेड टू बी सीन अब उस टूटे हुए पेड़ को यानी कि उस लालटेन की प्रकाश में टूटा हुआ पेड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया देअ वॉज सेटिस्फेक्शन ऑन मनीष फेस अब जो है मनीष के चेहरे पर संतोष था इट मीन्स वो सेटिस्फाइड था कि अब जो है कोई दुर्घटना नहीं होगी नाउ क्वेश्चन इज हाउ वॉज द वेदर मौसम कैसा था तो यहाँ ऑप्शन है इट वॉज सनी धूप निकली थी इट वॉज रेनिंग एंड रेनिंग हैविली बहुत तेज़ बारिश थी तूफानी बारिश थी इट वॉज स्नोइंग या बर्फ़ पड़ रही थी नन ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव बिकॉज शाम का समय था तो धूप तो थी नहीं बारिश और तूफान रुक चुके थे तो इसलिए ये भी गलत है सेकेंड भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो ऐसा भी नहीं था बारिश तूफान रुक चुके थे और बर्फ़ भी नहीं पड़ रही थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इट मीन्स इनमें से जो है कोई भी सही नहीं है नेक्स्ट है वॉट वॉज द रीजन फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द ट्री उस पेड़ के टूटने का क्या कारण था तो ऑप्शन है तूफान के गया था, लोगों ने तोड़ दिया था। या फिर हाथी ने तो आंसर हो वन, तो होगा आपको जो है सर्कल फिल करना है आप इसे फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज राइट द एंटोनियम ऑफ डार्कनेस डार्कनेस कहते हैं अंधेरे को तो डार्कनेस का एंटोनियम क्या होगा नाइट इवनिंग वाटर लाइट तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर लाइट यानी कि प्रकाश डार्कनेस अंधेरा तो आपको फोर्थ नंबर का सर्कल जो है इसे फिल करना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड मनीष हैंग द लाल ऑन द ब्रॉकन ट्री मनीष ने उस लालटन को ब्रोकन यानी कि टूटे पेड़ पर क्यों लटकाया तो यहां पर ऑप्शन है टू अवॉइड एक्सीडेंट दुर्घटना से बचने के लिए इट वॉज दिवाली या फिर दिवाली थी टू रीड पढ़ने के लिए टू प्लेयर खेलने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए उन्हें लोगों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए उसने ब्रॉकन ट्री पर उस लाल ट्रेंड को हैंग कर दिया नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड ट्री इनमें से कौन सा शब्द जो है ट्री वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लांट्स श्रब्स ब्रांच टायर तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर टायर बिकॉज श्रब्स झाड़ियाँ प्लांट्स पौधे ब्रांच शाखाएं तो ये जो ये जो सभी वर्ड्स हैं ये ट्री से रिलेटेड हैं पौधे हैं पेड़ पौधे हैं शाखाएं हैं पत्तियाँ हैं लेकिन टायर जो है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके लिए आप जो है फोर्थ नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज लुक एट द गि फिगर केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन इस फिगर को देखिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए क्वेश्चन इज वट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग इस बिल्डिंग का क्या नाम है ऑप्शन आर हवा महल ताजमहल जल महल व्हाइट महल तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू तो आप इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि सर्कल सेकंड को फिल कर देंगे दिस इज कॉल्ड ताजमहल नेक्स्ट इज हाउ मेनी टावर्स आर विजेबल अराउंड द ताजमहल ताज ताजमहल के पास में जो है कितने टावर दिखाई दे रहे हैं तो वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर फोर टावर जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं नाउ क्वेश्चन इज द ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग ताजमहल जो है बहुत सुंदर बिल्डिंग है वॉट इज द वर्ड ब्यूटिफुल इन दिस सेंटेंस इस सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या है नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है तो क्या है ताजमहल क्या है यहाँ पर नाउन है इज क्या है इज यहाँ पर वर्ब है वेरी यहां पर क्या है एडवर्ब है ब्यूटीफुल है यहां पर एडजेक्टिव तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री एडजेक्टिव तो यहां पर आपको थर्ड सर्कल को फिल करना है नाउ क्वेश्चन इज वट इज द कलर ऑफ द स्टोन ऑफ दिस बिल्डिंग इस बिल्डिंग की जो स्टोन है उसका क्या रंग है वाइट ब्लैक ग्रीन ब्लू तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन वाइट कलर जो है स्टोन का है इस बिल्डिंग की नाउ क्वेश्चन है महल इज ए तो महल क्या है नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन ये क्या है नाउन है महल जो वर्ड है वो नाउन है अब अगला क्वेश्चन है प्लेइंग मीनम मीनम लॉस्ट सडनली जो है वो खेलते हुए खो गई हर पेरेंट्स टुक हेल्प ऑफ द पुलिस उसके माता पिता ने पुलिस की मदद ली दे टुक हेल्प ऑफ द पुलिस डॉग उन्होंने पुलिस के डॉग की मदद ली दे गिव द फ्रॉक ऑफ मीनम ऑफ टू द डॉग एंड लेट हिम रन उन्होंने जो है मीनम का फ्रॉक जो है डॉग को दे दिया मीनम को जानता था द डॉग लाइक्स मीनम फ्रॉक या फिर मीनम का फ्रॉक डॉग को अच्छा लगता था द डॉग विल बी एबल टू फाइंड मीनम विदेल इन हर फ्रॉक या फिर जो डॉग है वो मीनम के फ्रॉक की गंध से उसे ढूंढ लेगा या फिर द डॉग नोज द प्लेस फ्रॉम वेयर मीनम लॉस्ट या डॉग जानता था उस स्थान को जहां पर मीनम खोई थी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री जो डॉग है वो मीनम के फ्रॉक की गंध से उसे ढूंढ सकेगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री तो आप तीसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे अब यहां पर अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर एंजॉइंग स्नेक गेम बींग सोन इन द स्ट्रीट बच्चे जो हैं गली में सांप का खेल जो है उसे देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं द स्नेक इज़ डांसिंग स्नेक नाच रहा है एंड एंटरटेनिंग और मनोरंजन कर रहा है वाई द स्नेक इज डांसिंग तो जो सांप है वो क्यों नाच रहा है तो ऑप्शन है स्नेक इज़ डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ बीन स्नेक जो है वो बीन की धुन पर नाचते हैं या फिर ही इज डांसिंग बिकॉज हिज मास्टर आज थीम टू डांस या फिर इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि उसके जो मालिक है सांप का उसने उससे नाचने के लिए कहा है या फिर स्नेक इज मूविंग ऑन द मूवमेंट ऑफ बीन या फिर जो स्नेक है वो बीन के मूवमेंट पर नाचते हैं इट मीन्स उन्हें जो वाइब्रेशन महसूस होती है और उसकी धुन पर वो उसे फील करके ही मूव करते हैं या फिर ही लाइक्स टू डांस तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री तो आप तीसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज आयरन टेबलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल्स टू गेट रिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स में आयरन की गोलियां जो हैं वो किस बीमारी से किससे बचने के लिए बांटी जाती हैं तो यहाँ ऑप्शन हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स कीड़ों से बचने के लिए फ्रॉम डायरिया या फिर डायरिया से फ्रॉम एनीमिया फ्रॉम फीवर या फिर एनीमिया से या बुखार से तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री फ्रॉम एनीमिया तो यहाँ पर आपको जो है थर्ड नंबर का सर्कल फिल करना है अब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है मुकुंद हैड आलू गोभी इन हिज लंच मुकुंद के पास आलू गोभी आज लंच में है His eyes started watering while eating. जब उसने अपनी सब्जी को खाया तो उसके आंखों में पानी आना शुरू हो गया वाई वुड इट हैपन तो ऐसा क्यों हुआ होगा तो ऑप्शन है यहाँ पर देअर वॉज टू मच चिली इन आलू गोभी आलू गोभी में बहुत अधिक मिर्च थी आलू गोभी वॉज हाई इन सॉल्ट या आलू गोभी में नमक ज़्यादा था देयर वॉज नो सॉल्ट इन आलू गोभी या फिर नमक ही नहीं था आलू गोभी डिड नॉट कंटेन टर्मरिक या फिर उसमें टर्मरिक नहीं थी हल्दी नहीं थी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आलू गोभी में बहुत ज़्यादा चिल्ली थी यानी कि बहुत ज्यादा मिर्च थी न क्वेश्चन इज वाय द मील मेड फ्रॉम वीट एंड राइस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स इन मिड डे मील स्कूल्स में जो स्कूल हैं हमारे उनमें मिड डे मील में वीट और राइस यानी कि गेहूं और चावल से बना खाना ही क्यों बांटा जाता है तो ऑप्शन है यहाँ पर ड्यू टू गवर्नमेंट रूल गवर्नमेंट के रूल के कारण ड्यू टू मोर मनी या फिर ज्यादा पैसों के लिए टू फीड द चिल्ड्रन बच्चों को भोजन देने के लिए या फिर टू रिमूव मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन या बच्चों में जो कुपोषण की कमी है उसे खत्म करने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर तो आप इसके लिए फोर्थ नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे कुलविंदर हैज़ गॉट अ वेरी सीवियर कोल्ड कुलविंदर को जो है बहुत अधिक कोल्ड है ही ड्रिंक द सीरप फॉर द क्यूर ऑफ कोल्ड उसने अपने कोल्ड के क्यूर के लिए एक सीरप पिया ही फाउंड इट्स टेस्ट स्ट्रेंथ तो उसे जो है इसका जो स्वाद है बहुत ही अजीब लगा एंड वॉमिटेड और उसे उल्टी हो गई वाई वुड दिस हैपन ऐसा क्यों हुआ होगा तो यहाँ ऑप्शन है सीरप इज़ आउट ऑफ यूज डेट जो सीरप था वो यूज डेट से एक्सपायर हो चुका था इट मीन्स उसकी यूज डेट जो है वो निकल चुकी थी दैन सीरप इज़ बेटर या फिर कड़वा था सीरप इसमे बेड ये सीरप से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी कुलविंदर हैज़ एन अपसेट स्टमक या फिर कुलविंदर का जो है पेट खराब था तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन सीरप इज आउट ऑफ यूज डेट तो इसके लिए आप फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज दीपक आस्ड टूडे टू स्प्राउट द वस्ट मूंग दाल आज दीपक ने जो है मूंग की दाल को जो है अंकुरित करने के लिए कहा बट इवन आफ्टर टू डेज लेकिन दो दिन बाद भी द लेंटिल्स डिड नॉट स्प्राउट उसकी जो दाल है वो अंकुरित नहीं हुई तो इसका क्या रीजन है तो यहाँ पर ऑप्शन है द पल्स इज वर इन अबाउंड जो दाल थी वो बहुत अधिक मात्रा में थी इट वुड टेक टू मोर डेज फॉर द पल्स टू जर्मिनेट या फिर दाल को जर्मिनेट होने के लिए दो दिन और लगेंगे या फिर ओनली होल लेंटिल्स स्प्राउट साबुत दाल ही अंकुरित होती है मूंग दाल या फिर मूंग दाल स्प्राउट ही नहीं होती तो होगा तो के सर्कल को आप फिल कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट दिस पिक्चर सो ये जो पिक्चर है क्या दिखाती है प्लांट्स नीड वॉटर पौधों को पानी की जरूरत होती है वाटर शुड फ्लो पानी को बहना चाहिए वी शुड ड्रिंक वाटर हमें पानी पीना चाहिए वी शुड नॉट टेक बाथ विद वाटर या फिर हमें पानी से नहीं नहाना चाहिए तो यहाँ पर पौधे को पानी दिया जा रहा है कैन से तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन प्लांट्स नीड वाटर पौधों को पानी की आवश्यकता होती है तो आप इसके लिए फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे नेक्स्ट इज इन अ ट्रैकिंग कैंप एक ट्रैकिंग कैंप में एवरी वन वॉज सर्व्ड हॉट चॉकलेट मिल्क सभी को जो है हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया वॉय वुड दिस है क्यों किया गया होगा तो ऑप्शन है टू रिमूव द कोल्ड सर्दी से बचने के लिए टू फिल द स्टमक या फिर पेट भरने के लिए टू क्रॉस द रिवर या रिवर को क्रॉस करने के लिए टू क्रिज द थ्रस्ट या फिर थ्रस्ट को मिटाने के लिए तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन टू रिमूव द कोल्ड ठंड से बचने के लिए तो यहां पर फर्स्ट सर्कल को आप फिल कर देंगे नेक्स्ट इज वॉट आर द थिंग्स इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर फातिमा इज स्टैंडिंग जहाँ पर फातिमा खड़ी है वहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं तो ऑप्शन हैं यहाँ पर सन माउंटेन्स सूर्य और पर्वत हैं माउंटेन्स प्लांट्स हैं तो प्लांट है ही नहीं फील्ड और वाटर तो ये भी नहीं है नेक्स्ट है फ्लार्स माउंटेन पौधे और पर्वत हैं तो ये भी गलत है क्योंकि फ्लार नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन सन और माउंटेन जो हैं ईस्ट डायरेक्शन में है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ इन स्पेस होल्ड द फ्लॉट एंड वेट द क्लॉथ वाई सो स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में हाथ धोने के लिए मुंह धोने के लिए जो पानी के बुलबुलें हैं जो तैरते रहते हैं उनसे कपड़े को भिगोया जाता है वाई सो so? ऐसा क्यों किया जाता है तो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बिकॉज इट फील्स गुड टू डू ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है या द बबल्स आर वेरी लाइट जो बुलबुले होते हैं बहुत हल्के होते हैं बिकॉज एवरी थिंग फ्लॉट्स इन स्पेस या फिर स्पेस में सभी चीज़ें तैरती हैं ब्लोज अप वाटर बबल्स या फिर जो वाटर बबल हैं वो ब्लो अप हो जाते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री बिकॉज एवरी थिंग फ्लॉट्स इन स्पेस अंतरिक्ष में सभी चीज़ें तैरती हैं तो यहाँ पर तीसरे नंबर के सर्कल को आप फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत ही सीमित हैं सेव इट फॉर योर किड्स अपने बच्चों के लिए इसे बचाओ वाई इज दिस स्लोगन कॉल्ड ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड जो नारा है ये ऐसा जो है इसमें क्यों कहा गया है कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं ऑयल के स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है द ऑयल हैज़ रन आउट जो तेल है वो खत्म हो गया है ऑयल बिल्ड अप अंडर द ग्राउंड पीक वेरी स्लोली या जो ऑयल है वो धरती के नीचे पृथ्वी के नीचे बहुत ही धीरे धीरे बनता है द ऑयल इज मेड बाय मशीन या फिर मशीन से बनाया जाता है ऑल द ऑयल इज यूज नाउ या फिर सारा जो तेल है वो यूज किया जा चुका है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू तो आप इसके लिए सेकेंड सर्कल को फिल कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तासीज हाउस इन लेह इज मेड ऑफ क्रस्ड वुड जो तासी का घर लेह में है वो क्रस्ड वुड से बना हुआ है वायर दिस हैपन ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ है तो पर ऑप्शन वुडन वुडन फ्लोर्स एंड सीलिंग प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फ्लोर सीलिंग अगेंस्ट कोल्ड। जो के फ्लोर हैं हैं, हैं। और छतें वो ठंड से बचाती या फिर वुड इज इजीली अवेलेबल। लकड़ी लकड़ी पर आसानी से उपलब्ध है। वुडन लुक ब्यूटीफुल। के कटर है, है। काइंडल्ड बट दूस लेकिन जो आग है वो बुझ गई द वुड कटर लिट अ फायर वुड कटर ने फिर से फायर जलाई बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम हिज माउथ अपने मुंह से फूक मारकर फिर से आग जलाई वाई ही डिट लाइक दैट उसने ऐसा क्यों किया तो यहाँ ऑप्शन है देअर वॉज फायर इन हिज माउथ उसके मुंह में आग थी या फिर देर वॉज एयर इन हिज माउथ या उसके मुंह में हवा थी या फिर द मॉइस्चर ऑफ द एयर एक्सटिंग फायर जो हवा में नमी थी वो आग को बुझा देती है या फिर द फायर गेट्स मोर एयर और ऑक्सीजन देन ब्लोइंग द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन in इन air ऑफ द माउथ तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर तो यहाँ पर आप जो है फोर्थ नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे नेक्स्ट है यू आर केयरिंग ए बैग आप जो है आपके पास एक बैग है विच इज फुल ऑफ वेजिटेबल पिलर्स एंड यूज टी जिसमें जो है जो यूज किए गए वेजिटेबल के पिलर्स से एंड यूज टी और चाय पत्ती से भरा हुआ है इन विच डस्टबिन यू विल थ्रो दिस बैग इस बैग को आप जो है किस में डालोगे तो यहाँ पर ऑप्शन हैं, इन आप ब्लू डस्टबिन ब्लू डस्टबिन में ग्रीन डस्टबिन में एनी वन ऑफ देम या किसी में भी वन ऑफ देम या फिर उनमें से एक में तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इन ग्रीन डस्टबिन हम गीले कूड़े को गीले कचरे को ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं तो यहां पर आप सेकेंड सर्कल को फिल कर देंगे अब यहां पर क्वेश्चन है अंजना वॉज आस्ड टू कलर सम बॉक्सेस अंजना से जो है कुछ बॉक्स में कलर करने के लिए कहा गया ऑन पेपर एक पेपर पर सीड इट्स सो लाइक द अटैच्ड पिक्चर उसने अटैच्ड पिक्चर की तरह जो है कुछ ऐसा किया मेक अ फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट आप जो है कलर्ड पार्ट के लिए एक फ्रैक्शन बताएंगे तो यहाँ पर ये पेपर है इसमें इतने बॉक्सेज हैं और कुछ शेडेड हैं तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन बतानी है तो टोटल कितने बॉक्सेज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन तो यहाँ पर सिक्स जो हैं आउट ऑफ 15, जो है वो कितने कैसे हैं वो वोड हैं तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन होगी अपॉन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तो सर्कल को आप फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज लुकिंग इन हर सिस्टर्स इंग्लिश बुक मीनू जो है अपनी बहन की इंग्लिश की बुक को देख रही थी सी स्टार्टेड रोटेटिंग सम अल्फाबेट्स उसने जो है कुछ अल्फाबेट्स को रोटेट करना शुरू किया विच एल्फाबेट फिगर विल रिमेन द सेम इवन वैन रोटेटेड वन हंड्रेड एट्टी डिग्री कौन सी फिगर जो है सेम ही रहेगी जब उसे 180 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन हैं जे के बी ओ तो करेक्ट आंसर होगा ओ ओ को यदि हम 180 डिग्री पर इसे हम रोटेट करते हैं तो ये सेम ही दिखाई देगा तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर तो आप फोर नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे नाउ क्वेश्चन इज लुकफुली एट गिवन स्मार्ट चार्ट स्मार्ट चार्ट दिया गया है इसे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए इज इक्वल टू फिफ्टी चिल्ड्रन यानी कि वन स्टार रिप्रेजेंट करता है फिफ्टी चिल्ड्रन को इन विच टू गेम्स डू चिल्ड्रन टेक इक्वल इंटरेस्ट इन कौन से दो गेम में इक्वल स्टूडेंट यानी कि इक्वल चिल्ड्रन जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ पर जो है स्विमिंग में टू स्टार्स हैं और क्रिकेट में भी टू स्टार्स हैं इट मीन्स हंड्रेड जो है यहाँ पर चिल्ड्रन हैं और हंड्रेड ही यहाँ पर है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन क्रिकेट एंड स्विमिंग तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट सर्कल को फिल करना है तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से फिल कर देंगे नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट जो खेल रहे हैं बच्चे उनके कितने नंबर हैं मतलब कितनी संख्या है उन बच्चों की तो यहाँ पर ऑप्शन है वन हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड फिफ्टी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री वन हंड्रेड तो यहाँ पर तीसरे सर्कल को आप फिल कर देंगे तो आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि जिन बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है उनकी संख्या कितनी है तो क्रिकेट जो है क्रिकेट के लिए है टू स्टार तो वन रिप्रेजेंट करता है फिफ्टी को तो टू है तो कितने हो गए वन हंड्रेड अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गेम कौन सा है फुटबॉल शूटिंग स्विमिंग क्रिकेट तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू शूटिंग यानी कि तिरंदाजी तो यहाँ पर आप सेकेंड सर्कल को फिल कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये चार्ट दिया गया है आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा गेम जो है वो मोस्ट पॉपुलर है तो शूटिंग है सबसे ज़्यादा स्टार्स यहाँ पर हैं नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल अब आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है तो ऑप्शन है वन हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड या फिर फिफ्टी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन तो आप इसके लिए फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं फुटबॉल जो है फुटबॉल के लिए है, थ्री स्टार्स इट मीन वन रिप्रेजेंट करता है फिफ्टी को तो फिफ्टी इंटू तो थ्री इक्वल वन हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले शूटिंग जो बच्चे शूटिंग करते हैं यानी कि तीरंदाजी करते हैं उन बच्चों की संख्या के बीच में एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट और जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनकी बीच में आपको डिफरेंस पता लगाना है कि उन दोनों बच्चों की संख्याओं में कितना डिफरेंस है क्रिकेट खेलते हैं हंड्रेड चिल्ड्रन और शूटिंग खेलते हैं शूटिंग करते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी तो टू हंड्रेड फिफ्टी से वन हंड्रेड को माइनस करेंगे कितना बचेगा का वन हंड्रेड फिफ्टी तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पर आप फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे नेक्स्ट इज एंड अनुरोटा नंबर नाइन फाइव सेवन टू फाइव रावे और अनु ने एक नंबर लिखा नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव राविया पुट है फिंगर ऑन सेवन राव्या ने सेवन पर अपनी फिंगर रखी एंड अनु ऑन नाइन और अनु ने नाइन पर विच वन विल हैव मोर प्लेस वैल्यू इनमें से कौन से नंबर की ज्यादा प्लेस वैल्यू होगी तो यहाँ पर नंबर क्या है नाइन फाइव सेवन टू फाइव राव्या ने नंबर जो है वो चूज किया है कौन सा सेवन तो सेवन की प्लेस वैल्यू कितनी हुई सेवन हंड्रेड और अनु ने नाइन चूज किया है तो नाइन की कितनी हुई नाइन की हुई कितनी डिजिट है फोर तो यहां पर नाइन की वैल्यू हुई नाइनटी थाउजेंड तो यहां पर आंसर होगा अनूज तो यहां पर सेकंड ऑप्शन पर आप सही का निशान लगाएंगे और सेकंड सर्कल को फिल कर देंगे अब यहाँ क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर यहां पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहां पर संख्या दी गई है फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी सेवन सेवन तो यहाँ पर असेंडिंग में हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे लिखते हैं उसके बाद उससे बड़ी और सबसे लास्ट में लिखते हैं जो सबसे बड़ी है तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है वन थाउजेंड फिफ्टी सेवन तो सबसे पहले यहाँ इसे लिखेंगे उसके बाद इससे बड़ी है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट सर्कल को फिल कर देंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम इज 40 मीटर यदि आपके क्लासरूम की लेंथ जो है 40 मीटर से एंड द इज 30 मीटर और जो उसकी विर्थ है वो 30 मीटर है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ योर क्लासरूम तो आपके क्लासरूम का क्या एरिया होगा तो इसके लिए जब हम एरिया निकालते हैं तो हम जो लेंथ और विर्थ है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्टी और थर्टी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन स्क्वायर मीटर्स तो हम जो एरिया निकालते हैं एरिया को हम स्क्वायर मीटर में निकालते हैं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री वन थाउजेंड टू हंड्रेड आप थर्ड सर्कल को जो है फिल कर देंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है राधा वॉन्ग द डिस्टेंस बिटवीन हर होम राधा जो है हर होम अपने घर के बीच में एंड सिटी बस स्टैंड और सिटी बस स्टैंड के बीच की दूरी पता लगा रही थी इट मीन नाप रही थी कि कितनी दूरी है इट वॉज नाइन थाउजेंड 897 मीटर इसकी दूरी कितनी थी नौ मीटर इफ वी कन्वर्ट 9897 मीटर इनटू किलोमीटर यदि हम इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं देन द रिजल्ट विल बी तो इसका रिजल्ट क्या होगा तो देख सकते हैं राधा का होम है और यहाँ है बस स्टैंड इसकी दूरी कितनी है 9897 थाउजेंड वन किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर तो यहाँ पर 9000 में कितने हुए 9 किलोमीटर और क्या बचे एट हंड्रेड नाइन्टी सेवन मीटर तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी सेवन मीटर में होंगे नाइन किलोमीटर एट हंड्रेड नाइन्टी सेवन मीटर तो इसके लिए आप फर्स्ट सर्कल को जो है फिल कर देंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलेस इज मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्कूल नीलेस जो है स्कूल की लंबाई और चौड़ाई को मेजर कर रहा था इफ़ लेंथ ऑफ द स्कूल इज फिफ्टी मीटर यदि स्कूल की लेंथ जो है वो फिफ्टी मीटर है एंड ब्रेथ ऑफ द स्कूल इज थर्टी फाइव मीटर्स और जो उसकी ब्रेथ है वो थर्टी फाइव मीटर है देन द पैरीमीटर ऑफ द स्कूल विल बी तो स्कूल का जो पैरीमीटर है वो कितना होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे सपोज दिस इज स्कूल तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है फिफ्टी मीटर है और इसकी ब्रेथ है थर्टी फाइव मीटर तो इसकी जो चारों तरफ की यानी कि लेंथ और ब्रेथ है इसे प्लस कर लेंगे तो इधर फिफ्टी है तो इधर भी फिफ्टी होगा इधर थर्टी फाइव है तो इधर भी थर्टी फाइव होगा तो जब हम इसे प्लस करेंगे थर्टी फाइव एंड थर्टी फाइव कितना हुआ सेवेंटी हो गया और फिफ्टी एंड फिफ्टी हुआ वन हंड्रेड वन हंड्रेड प्लस सेवनटी वन हंड्रेड सेवनटी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री तो आप तीसरे नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक फोर डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट इन डिजिट से आपको फोर डिजिट्स की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इससे जो इसकी स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा ग्रेटेस्ट होगा एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा वन थाउजेंड फिफ्टी एट तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर तो आप इसके लिए फोर नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न दिए गए पैटर्न में नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा होगा तो यहाँ पर है फाइव ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर हर बार जो है फाइव की फाइव से मल्टीप्लाई की गई ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी फाइव की फाइव से की गई तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया 625 तो जब हम इसकी जो गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 3125 तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर तो आप इसके लिए ऑप्शन नंबर फोर को फिल कर देंगे अब यह क्वेश्चन है विच मेट्रो पिलर नंबर इज क्लोजेड टू 1000 थाउजेंड यहाँ पर जो है कौन सा मेट्रो पिलर नंबर जो है वन के करीब होगा तो यहाँ पर ऑप्शन है नाइन हंड्रेड थर्टी वन थाउजेंड टेन तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री वन थाउजेंड टू वन थाउजेंड के पास में यही यह होगा तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू